आने देते हैं एक मिनट। हाँ बेटा आयुषी, आप डाउट बता रहे हैं अपने, कल जो असाइनमेंट दिया था उसमें, तो सबसे पहले तो मैंने डू योर सेल्फ 5 दिया था, उसमें कोई डाउट? नो सर। डू योर सेल्फ 5 में किसी का कोई डाउट? सॉल्यूशन भी सेंड कर दिए थे, डू योर सेल्फ 5 में किसी का कोई डाउट बोल सकते हैं? नहीं है, डू योर सेल्फ 5 में किसी का कोई डाउट नहीं है। हाँ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 22। यस देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे सभी। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एंड सो ऑन प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 बाय 2 प्लस एक्स 6 बाय 4 माइनस एंड सो ऑन इक्वल टू पाई बाय 2 और मॉड एक्स गिवन है 0 से रूट 2 में, देन एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल। हाँ बेटा देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, समझ में आया क्या है? साइन इनवर्स ये एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी सभी को मालूम है, लेकिन ये और ये अलग अलग है, लेकिन सम पाई बाय 2 कब आ सकता है? जब दोनों सेम, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, दोनों को इक्वल रख दो। समझ में आ गया कि सभी को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, क्लियर? हाँ ये भी जीपी है इनफाइनाइट टर्म की, ये भी जीपी है इनफाइनाइट। हाँ तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r, a है x और कॉमन रेशियो क्या है, इसको इससे डिवाइड करें तो x बाय 2 1 माइनस r, r मतलब माइनस x। समझ में आया कि कॉमन रेशियो कैसे निकाला है, इसको इससे डिवाइड किया तो माइनस एक्स वाई, इधर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, समझ में आ गया क्या? दोनों तरफ क्या लगाया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है आयुषी? ठीक है है ना, क्या होता सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर और आर माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो 2 ऊपर गया और यहाँ हो गया 2 प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस एक्स, राइट? अब देखो एक्स की वैल्यू 0 तो है नहीं, नॉन जीरो वैल्यू है, तो 2x से डिवाइड कर दें दोनों साइड, क्योंकि x इक्वल नॉट 0, 2x से डिवाइड किया, 2x से डिवाइड किया, अच्छा x 2 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, कितना आया 2x इक्वल टू 2 है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू एक ऑप्शन में, समझ में आया क्या कैसे कैलकुलेट किया है? यस सर। ठीक है नेक्स्ट नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ 25 करना है, पहले ये नोट कर लें सभी लोग, नोट हो जाए तो बता दें। हो गया कंप्लीट? डन सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 25।
हम 25 क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 है ना। तो क्या करें, साइन ये इक्वेशन केवल एक ही वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रू होती है। तीन फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शंस का सम 3π/2 है, सबको अगर π/2 ले लें तीन फंक्शन की ये मैक्सिमम है, यही पर ट्रू होती है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो x इक्वल टू साइन पाई बाई टू कितना आ गया 1, तो x भी 1, y भी 1, z भी, राइट। अब हम वैल्यू किसकी निकालना है उसको देखे जाए। r वेरीज फ्रॉम 1 to 2, x की पावर 1000 r नहीं 100 r, x की पावर 100 r प्लस y टू दी पावर 103 r अपॉन समेशन x टू दी पावर 204 y टू दी पावर 204, ठीक है, यही है क्वेश्चन। हाँ तो देखो, सबसे पहले x और y की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू 1, r वेरीज फ्रॉम 1 टू, और y की वैल्यू भी 1, तो 1 की पावर 100 r 1 ही हो जाएगा, 1 1 2। हाँ इधर ध्यान से समझे, ये क्या है सिग्मा, लेकिन इसमें न्यूमरेटर में कितनी टर्म है, ये 2 तो कांस्टेंट है, r varies from 1 plus 1, कितनी टर्म हो गई ऊपर 2 into 2। हाँ ऊपर समझ में आया कि न्यूमरेटर सबको समझ में आ गया, 2 बाहर ले लिया बचा 1, r की वैल्यू 1 पर भी 1 है, r की वैल्यू 2 पर भी। हाँ डिनोमिनेटर में देखें यहाँ x into y, ऐसी कितनी टर्म्स हैं, x y z 3 नंबर्स हैं, तो x into y plus y into z plus z into x, ऐसी कितनी टर्म है, ये 3 टर्म्स आई। समेशन ऑफ x y z टेकिंग 2 एट अ टाइम, आंसर क्या होगा 4। सर एक बार आगे स्टेप रिपीट कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ मैं, कौन सी नीचे वाली डिनोमिनेटर, यस सर। हाँ ये सुनो यार ध्यान से, ये समेशन का मतलब होता है कितने नंबर्स हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में से 2 2 के प्रोडक्ट का समेशन। तो अगर इस समेशन को आप ओपन करोगे तो वो ये आएगा 204y204 प्लस y204z204 प्लस z204x20। समझ में आया कि इस समीशन का मतलब ये तीन काम। लेकिन सर उन्होंने जेड का तो पूछा ही नहीं है ना। क्यों नहीं पूछा, समीशन लिखा है, इसका क्या मतलब बेटा, आप समीशन का मीनिंग नहीं समझ रहे। सम किन किन का सम करोगे, फिर केवल दो नंबर, ऐसा नहीं है तिथरी, यहाँ एक्स प्लस वाई यहाँ इंटू में है, यहाँ दो नंबर ही है। समझ में आया, यहाँ एक्स और वाई, यहाँ जेड नहीं पूछा, यहाँ एक्स वाई 3 नंबर्स गिवन है, एक्स वाई जेड, उनमें से 2 के प्रोडक्ट का समेशन। नहीं तो समेशन की जरूरत ही क्या थी, ऐसे ही लिख देते अगर एक ही टर्म लिखना हो। बात समझ में आ गई क्या, इस समेशन की जरूरत क्या थी, ऐसे ही लिख देते। वहां क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों टर्म, इसलिए ये 1 1 1 3 टाइप। समझ में आया, यस सर, ठीक है। हाँ और कोई डाउट किसी का, एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट सर, क्वेश्चन नंबर 26 सर, 23 डोमेन बेटा, सॉल्यूशन भी सेंड किया है, डोमेन आना चाहिए, डोमेन तो सबसे पहले लेक्चर में ही बता दिया था, मैं कर रहा हूँ 23 और 26 दोनों कर रहा हूँ। ये हो गया क्या सभी का, 25 कंप्लीट हो गया, यस सर। हम 23 और 26 दोनों कर रहे हैं, 23rd में देखे डोमेन पूछा है, fx इक्वल अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस π/6। सबसे पहली चीज साइन इनवर्स फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी किसकी लगा दो, स्क्वायर रूट फंक्शन की, डोमेन के लिए स्क्वायर रूट अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, सबको मालूम है क्या,
अब उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसमें भी एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसमें जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन माइनस वन से प्लस वन। हाँ इसमें किसी को कोई डाउट, ये दोनों कंडीशन लिखते हैं। नो सर, बस अब इनको सॉल्व करके एक्स बताना। यहां से एक्स निकाला माइनस हाफ टू प्लस हाफ, राइट है ना, टू से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व और करें, साइन इनवर्स टू एक्स is greater than or equal to minus pi by 6, so 2x. Increasing function है, sin inverse उधर जाएगा, sin pi by 6. हाँ बच्चों, समझ में आया? X is greater than or equal to minus 1 by 4. हाँ तो intersection बोलो, intersection बोलो. Minus 1 upon 4 से तो 1 upon 2. तो बिल्कुल सही। देखो यार, ये माइनस वन बाय टू, ये प्लस वन बाय टू, ये हो गया। माइनस वन बाय फोर कहाँ आएगा? माइनस वन बाय टू मतलब माइनस पॉइंट फाइव, उसके बाद माइनस पॉइंट टू से इंफिनिटी, तो इंटरसेक्शन ये क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन बाय टू, वन बाय फोर टू क्लोज्ड इंटरवल। सब कुछ समझ में आया कि डोमेन? यस सर। Okay, complete. Next question number 26. Okay, after it. Yes, sir. Yes, sir. अब देखें क्वेश्चन नंबर 26 में, x प्रोवाइडेड है 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और वैल्यू किसकी बताना, साइन इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस x प्लस साइन इनवर्स साइन x, ये वाला इसका ब्रैकेट। समझ में आया क्या बच्चों? तो देखो सबसे पहले cos inverse cos x और sin inverse sin x की वैल्यू लिखेंगे, और ये सेकंड प्रॉपर्टी है sin inverse sin x 3 pi by 2 से 2 pi में क्या होगा, है ना। तो sin inverse से sin को हटा तो सकते नहीं, क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि x minus pi by 2 से plus pi by 2 में होना चाहिए, जो कि नहीं है, x तो 3 pi by 2 से 2 pi में, है ना। तो आपको sin inverse sin x का ग्राफ पता है सभी को, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई, ठीक है, फिर पाई और ये थ्री पाई बाई, थ्री पाई बाई टू ये टू पाई, है ना। ध्यान से देखें, थ्री पाई बाई टू से टू पाई, ये वाली लाइन x पे 2 पाई यूनिट का इंटरवल कट कर रही है, और y पे भी ये 0 पाई बाय 2 पाई 2 पाई करेगी, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन लिखें, तो x अपॉन 2 पाई मालूम है ना इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का, प्लस y अपॉन माइनस 2 पाई इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 2। ये समझ में आया क्या किया मैंने? सबसे पहले तो ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, क्यों बनाया ग्राफ, मैं देखना चाहता हूं 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में अगर एंगल है तो हमें उसको किस इंटरवल में लाना है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में लाइन है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 पाई प्लस x। समझ में आ गया क्या?
क्या रखूंगा यहाँ, इसके प्लेस पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स के प्लेस पर क्या रख दूं, एक्स माइनस टू पाई। समझ में आया क्या एक्स माइनस टू पाई कहां से आया? अगर एक्स थ्री पाई बाई टू और टू पाई के बीच में है तो थ्री पाई बाई टू तो माइनस पाई बाई टू, और जब मैं टू पाई रखूंगा तो जीरो। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ तो साइन इनवर्स से साइन हटा दे, क्या बचा एक्स माइनस टू। ठीक है, समझ में आया ये पहला। हाँ अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो ग्राफ बिना ग्राफ बताए अपन बना सकते हैं। ये कौन सी क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इसको लिखो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स। देखो 2 पाई में से अगर मैंने ये 3 पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, पाई बाई टू, और 2 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, जीरो। तो जीरो से पाई बाई। ठीक है यहां तक? यस सर। रख दो इसमें साइन इनवर्स ऑफ कॉस, फर्स्ट टर्म आई है 2 पाई माइनस एक्स और सेकंड टर्म है एक्स माइनस 2 पाई। क्या हो गया, टू पाए से टू पाए, कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता वन, साइन इनवर्स वन कितना होता पाए बाय टू। समझ में आया क्या? सर ये साइन इनवर्स वाली टर्म नहीं समझ में। हाँ क्यों नहीं समझ में आई, थ्री पाए बाय टू से टू पाए में ग्राफ देख रहे हो? यस सर। ग्राफ देख रहे हो, ये ऐसा ग्राफ जितना इंटरसेप्ट x एक्सिस पर है, कितना है x एक्सिस पर 2 पाई लेंथ का, उतना ही y एक्सिस पे आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो लाइन की इक्वेशन मालूम है आपको क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होती है। यस सर। x अपॉन a, a की जगह प्लस 2 पाई, b की जगह माइनस 2 पाई इक्वल टू 1। या तो एलसीएम ले लिया तो 2 पाई आया, x माइनस y इक्वल टू 2 पाई, राइट। तो y की वैल्यू निकली माइनस 2 पाई प्लस x, तो इस x की जगह हमने क्या रख दिया, इस x की जगह x माइनस टू पाई, x माइनस टू पाई है, इस x की जगह रख दिया हमने x माइनस टू पाई। ठीक है? यस सर। तो साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो है x माइनस टू पाई जीरो से पाई बाई टू में, क्योंकि x 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी x माइनस 2 पाई। यस सर। समझ में आया, आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ x की वैल्यू जब आपने 3 पाई बाई 2 रखी तो माइनस पाई बाई 2, x की वैल्यू 2 पाई रखी तो 0, माइनस पाई बाई 2 से 0 में आ रहा है, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 प्रिंसिपल इंटरवल होता। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे किया? यस सर। मतलब कहने का ये ग्राफ किस लिए बनाया, कि मैं ये साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह साइन एक्स माइनस टू पाई लिख सकूं। यस सर। ठीक है, और ये ऐसे भी देख सकते थे, नहीं लिखना होता तो भी देख सकते थे, ये ग्राफ की भी जरूरत नहीं थी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन की रेंज फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती, नेगेटिव में होती, माइनस पाई बाई टू टू जीरो में होती। ठीक है, यस ठीक है, रफ करें। यस सर। नेक्स्ट और कोई डाउट? नो सर। ठीक है,
तो कल हमने सेवंथ प्रॉपर्टी कंप्लीट की थी, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाली, है ना। उन पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो आए हुए भी हैं, इस मॉड में आपने किया होगा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज वन में। Yes, है ना, तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना रहता है। और बाकी न्यूमेरिकल आए, कोई नंबर आए, तो उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और टेन इनवर्स वाली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 6 ही यूज करो। बात समझ में आ गई। अब हमें कुछ फंक्शंस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, कुछ फंक्शंस में हम कैसे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके उसको डिफाइन कर। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x2। इसमें हमें ये देखना है क्या सब्स्टिट्यूट करें और इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखें। ठीक है, तो आपको साइन 2a की आइडेंटिटी आपको याद है, साइन 2a, 2 साइन a cos a। अगर मैं x की जगह साइन a रख दूं तो 2 साइन a cos a बन गया। देखो ध्यान से, x की जगह sin a रखते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, x की जगह sin a या sin theta लेना है, और फिर इसको डिफाइन करना है। क्लियर, तो अब हमें ये एक फंक्शन है जिसको डिफाइन करना है, जिसकी डेफिनेशन आएगी 2 sin inverse x, sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 2 sin inverse। लेकिन x का इंटरवल पता करना है, किस इंटरवल में 2 sin inverse x आएगी, या पाई माइनस होगा या पाई प्लस, राइट। तो देखो, सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन बताओ, डोमेन निकालो इस फंक्शन का। देखो मैं 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर डोमेन निकाल के बता रहा हूं। साइन इनवर्स लाइज x जो है वो माइनस 1 से प्लस 1 में लाई करता है, राइट। साथ में दूसरी कंडीशन, अगर मैं यहां पर ये जो अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही, तो x square minus 1 is less than or equal to 0, x plus 1, x minus 1, x belongs to closed interval minus 1 to plus 1। बात समझ में आ गई, x कहां से कहां तक लाई करेगा, minus 1 से plus 1। अब इसको और देखना है, तो अगर मैं ये minus 1 to 1 है तो mod ले लूं, ऐसा लिख सकता हूं, मालूम है modulus inequality में mod x is less than a होता है तो x lies from minus a to plus a होता है। ठीक है, yes sir। अब अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर दूं, ये हो गया 4x square plus sorry minus 4x 4 minus 1, तो minus से multiply करें तो ये term positive हो गई, ये negative ही, ग्रेटर देन और इक्वल, राइट। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। हाँ, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है। यहां से आ गया x बिलोंग्स टू r, ये आया माइनस 1 टू 1, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस 1 टू 1, तो डोमेन क्या आ गया बेटा, माइनस 1। समझ में आया, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 2। समझ में आया, तो ये प्रोसेस लिख ले, डोमेन लिख दिया। ठीक है, अब डोमेन के बाद रेंज निकालना है। डोमेन नोट कर लिया कि हमने डोमेन का प्रोसेस कैसे निकाला है। रेंज कितनी आएगी, 2x, 2x क्या होता है, x में बताओ क्या रेंज, से माइनस पाई बाय 2 रेंज रखेंगे ना, माइनस 2 से 2 नहीं, कैसे माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 6 नहीं, ये डोमेन आ गया क्या, यहां रफ करूं इस प्रोसेस को, रेंज निकालने का, yes, रेंज निकालने के लिए, यस सर, यस सर। हां, तो देखो अब रेंज के लिए हमें ये वैल्यू 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा इस इंटरवल, फिर उस पर साइन इनवर्स ऑपरेट करें, तो अब हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको, इसलिए हमने t से डिनोट कर दिया। रेंज निकालनी, पहले इसकी रेंज तो निकालूं, फिर उस पर साइन इनवर्स लगाऊंगा,
तो पूरे फंक्शन की रेंज आ जाए। तो डिफरेंशिएट करूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहता हूं, फर्स्ट फंक्शन x माइनस पाई से पाई। नहीं गलत है बेटा, अब देख लो पहले ध्यान से क्या गलती हो रही है वो ध्यान से देख लो। x अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर का माइनस x का 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस x। इधर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आ गया 2 तो है ही, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। हाँ डिफरेंशिएशन को क्या रख देते हैं, जीरो, उससे क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, तो टू से डिवाइड, ये भी डिवाइड, क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स आ गया बेटा प्लस माइनस 1/√। समझ में आया क्या, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं इस फंक्शन के, माइनस वन टू वन वही है। अब फंक्शन t की वैल्यू x इक्वल टू माइनस वन पे निकालो, x इक्वल टू प्लस वन पे निकालो बाउंड्री वैल्यू पर, और 1/√2 पर निकालो माइनस वन पर, चारों पॉइंट पर हमें निकालना। हाँ ठीक है मैं दिखा देता हूँ, तो पहले 1 और माइनस 1 दिख रहा है, 1 और माइनस 1 पे निकाली तो 0 आ गई, माइनस 1 पे भी 0 आ गई, हाँ 1/√2 पे t की वैल्यू 1/√2, 1/√2 रखो 2x की जगह 1/√2 और अंडर रूट 1 माइनस x की जगह 1/√2, तो रूट 2 और रूट 2 2 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, माइनस 1/√2 पे माइनस वन, देखो ध्यान से ये रूट टू माइनस वन, टू माइनस वन वन, क्या ये सबको समझ में आया क्या क्या किया। अभी साइन इनवर्स तो भूल गया मैं, केवल इसकी रेंज निकाली 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, पूरे फंक्शन का डोमेन आया था माइनस वन टू वन, उस डोमेन में 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम प्लस वन, 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये t है, t की वैल्यू माइनस 1 से प्लस 1, ये समझ में आया सबको। यस सर। साइन इनवर्स ले लें अगर इसे, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x, तो साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स माइनस, साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाय 2, ये fx और ये प्लस पाई, समझ में आया क्या, तो रेंज क्या आ गई, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। ठीक है, यस सर, नोट करेंगे रेंज, प्रोसेस नोट करें। अब हम x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करें, हो गया क्या, एक मिनट सर, डन सर, हो गया, समझ में आया कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन भी यूटिलाइज करना पड़ जाता है रेंज। ठीक है,
अब हम बात करें सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह हमने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो थीटा क्या निकलेगा यहां से, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की रेंज मालूम है कितनी होती, माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू, साइन इनवर्स x की रेंज थीटा के लिए। हाँ हमारे फंक्शन की बात करें एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, और मॉडल ऑफ थीटा आएगा पहले लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए मॉडल से साइन इनवर्स साइन टू थीटा। समझ में आया क्या साइन इनवर्स साइन टू थीटा? यस सर। अब टू थीटा की बात करो, ये तो थीटा है तो ये टू थीटा कहां से कहां तक आएगा, माइनस पाई से प्लस। पानी गर्म कर दिया, दूध दे दिया, तुम साइड से डाल लो नहा। ठीक है साइन इनवर्स साइन टू थीटा। ठीक है साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब आपको सेकंड प्रॉपर्टी याद है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा कब होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इफ एक्स लाइज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई, लेकिन ये तो माइनस पाई से प्लस पाई है तो देखो कितने केस बनाना पड़ेंगे, कौन से तीन केस, अगर टू थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं साइन है ना, और कहां तक देखना है माइनस पाई से प्लस पाई तक देखना है आपने, तो ये माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू इसके बीच में आ रहा है वो केस हो गया। इसके बाद अगर टू थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू में लाई करेगा तब क्या होगा, और टू थीटा पाई बाय टू से पाई में लाई करेगा तब, हाँ इतनी बात समझ में आई क्या सभी को, टू थीटा की रेंज क्या थी माइनस पाई से प्लस पाई, तो हमें ये तो मालूम है साइन इनवर्स साइन टू थीटा, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में हो तो थीटा साइन इनवर्स से साइन रिमूव हो जाता है, क्लियर। अब इसके इन दोनों केसेस को हमें किससे लिखना पड़ेगा, ग्राफ से, माइनस पाई बाय टू जीरो प्लस पाई बाय टू प्लस पाई, ग्राफ बनाए। याद है ग्राफ साइन इनवर्स अभी बनाया था, हाँ माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में तो वाई इक्वल टू एक्स होता। अब हम बात कर रहे हैं ये वाली जिसमें माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई में, तो ये लाइन जा रही है तो एक्स पे कितना इंटरवल है माइनस पाई, तो वाई पर भी कितना आएगा माइनस पाई, ये वाली तो x पर भी माइनस पाई y पर भी माइनस पाई इक्वल टू वन, तो x प्लस y इक्वल टू माइनस पाई, तो y के प्लेस पर माइनस पाई माइनस x, तो माइनस पाई माइनस x की जगह है टू थीटा। और ये वाले केस की बात करें तो x पर भी पाई y पे भी पाई, तो x प्लस y इक्वल टू पाई, y के प्लेस पर पाई माइनस x, ये समझ में आया क्या सबको? नहीं सर। ठीक है देखेंगे अब ध्यान से, माइनस पाई माइनस टू थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, टू थीटा टू साइन इनवर्स एक्स, पाई माइनस टू थीटा पाई माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं x क्या क्या होगा, तो देखिए यहां से ये जो सेकेंड डेफिनेशन है इससे अगर थीटा निकालोगे, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो ये 2 उधर जाएगा माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, ये 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ तो x की वैल्यू साइन माइनस पाई बाय 4
माइनस वन बाय रूट टू से प्लस वन बाय बात समझ में आ गई क्या यहां से टू थीटा की जगह क्या रखा हमने साइन इनवर्स एक्स तो टू से डिवाइड कर दिया तो माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर आया एक्स ले लिया तो साइन माइनस पाई बाय फोर माइनस वन बाय रूट टू साइन प्लस वन पाई बाय फोर साइन तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू साइन इनवर्स एक्स कब होती है जब x माइनस वन बाय रूट टू से प्लस वन बाय रूट साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू साइन इनवर्स कब होती है व्हेन x लाइज फ्रॉम माइनस वन बाय रूट टू टू प्लस वन बाय राइट अब ये इंटरवल और निकाल लें आप सेकेंड केस थीटा कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय टू से माइनस वन बाय फोर ठीक है यहां से थीटा निकालें तो माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर साइन माइनस पाई बाय टू माइनस वन से माइनस वन बाय रूट तो यहाँ और इधर वन बाय रूट टू से वन क्या डेफिनेशन पूरी समझ में आ गई क्या यस सर सभी को समझ में आया है क्या किया सर ये ग्राफ से किया है वो बता दीजिए और ये तो ये सुनो इसके लिए किया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सर साइन इनवर्स ऑफ ये प्रॉपर्टी टू पढ़ी है ना बेटा प्रॉपर्टी टू में हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब लिखा था बेटा लाइक ऑफ करो x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. तो sin inverse sin x जो x आया वो कब आएगा जब x minus pi by 2 से plus pi by 2. अब लेकिन जो आपका x है वो तो minus pi से minus pi by 2 में भी है और pi by 2 से pi में भी. तो उसके लिए हमने ये sin inverse of sin x का graph बनाया. तो pi by 2 से pi में graph ये गया. x पे पाए इसको आगे बढ़ाते तो y एक्सिस पर भी पाए का इंटरसेप्ट है तो ये यहां से y निकला पाए माइनस x तो पाए माइनस x फिर माइनस पाए बाय टू से माइनस पाए में ये वाली लाइन है x पे भी माइनस पाए y पे भी माइनस पाए तो y मिला पाए माइनस y क्या मिलेगा माइनस पाए माइनस x ठीक है हाँ समझ में आया क्या लेकिन प्रॉपर्टी टू देखना पड़ेगी बेटा उसके लिए प्रॉपर्टी टू से बनाया ये ग्राफ और इसको एक्सटेंड करके हमने इंटरसेप्ट निकाले जैसे जो यहाँ आता है बेटा उसी को आगे बढ़ाए वही का वही यहाँ सर ये इंटरसेप्ट वाला बता दीजिए सर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं मालूम बेटा लाइन का सर थोड़ा भूल गया सर एक किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो अगर एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे b का तो लाइन की इक्वेशन ये आती है x एक्सिस पर a यूनिट का y एक्सिस पर b यूनिट का इंटरसेप्ट तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू मालूम है कि ठीक है याद आ गया अब जब हम ये पाई बाय टू से पाई में बात कर रहे हैं पाई बाय टू से पाई में तो लाइन ये है तो इस लाइन ने x एक्सिस पर पाई यूनिट का इंटरसेप्ट कट किया जितना x एक्सिस पर करेगा उतना ही y एक्सिस पर तो x पर भी पाएगा y पे भी पाएगा तो एलसीएम लिया तो x plus y equal to pi तो y की जगह आ गया pi minus x pi और x की जगह क्या था यहाँ 2 समझ में आया क्या ना पहले नोट करो एक्चुअली नोट करोगे फिर उसमें जब आप अप्लाई करोगे तो लिख पाओ हाँ समझ में आया क्या बेटा इंटरसेप्ट वाला फॉर्म समझ में आया कैसे यस सर सर
सर फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन में मतलब कि माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू मतलब इंक्लूडेड क्यों नहीं है? आप कर लो इंक्लूडेड, इंक्लूडेड करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी और इंक्लूड नहीं करोगे तब, इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ इंक्लूड कर रखे। अगर इंक्लूड कर भी दोगे तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि इधर से भी माइनस पाई बाई टू पर वही आंसर निकलेगा जो यहाँ से निकले। ठीक है, जैसे देखो माइनस पाई बाई टू रखेंगे यहाँ तो थीटा की जगह माइनस पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया माइनस पाई आ गया, और यहां से रखेंगे अगर यहाँ थीटा की जगह माइनस पाई बाई टू तो भी आंसर वही आएगा। कहीं दोनों जगह यहां से अगर माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो भी माइनस पाई आंसर आएगा, यहां से माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो भी माइनस पाई आएगा। इसलिए किसी भी एक जगह से आप रख सकते हो, इक्वालिटी अगर होल्ड भी कर दोगे तो भी कोई फर्क इन इस प्रॉपर्टी में नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने यहां बता दिया अगर इंक्लूड भी कर दूं तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? आप x की वैल्यू जो निकली माइनस वन बाय रूट टू पर इससे भी आंसर वही मिलेगा और इधर से माइनस वन बाय रूट टू पे जो निकालोगे वहां से भी आंसर वही। इसलिए अपन ने डिफाइन किया तो एक जगह इंक्लूड कर लिया इसलिए एक जगह ओपन रख, अगर इंक्लूड कर भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, रफ करें? यस सर। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स का आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स अभी प्रूव किया था, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, पर ये x की सभी वैल्यू पर ट्रू नहीं है। कौन सी? 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तब ट्रू है ये व्हेन x लाइज फ्रॉम माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 पर। समझ में आया? अब अगर यहां से 2 साइन इनवर्स x निकाले, इसके ये किसके इक्वल है? fx के इक्वल, तो 2 sin इनवर्स x निकाले यहां से, तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये कब ट्रू होगा? इफ x लाइज फ्रॉम माइनस 1 से माइनस 1। और थर्ड केस की बात करें, ये थर्ड केस है, 2 sin इनवर्स x इधर लाए तो पाई माइनस साइन इनवर्स है ना, इसको इधर कर दिया पाई और इसको उधर शिफ्ट कर, if x lies from 1 by root 2 to 1। समझ में आया क्या? तो ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square पढ़ते हैं, ये x की सभी रियल वैल्यू पे ट्रू नहीं होता, कहां ट्रू होता है? x lies from minus 1 by root 2 से plus 1। 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square, तब true होगा if x lies from minus 1 by root 2 to plus 1। समझ में आ गया क्या? तो समझ में आ गया सभी को कैसे हमने इस फंक्शन से स्टार्ट करके प्रॉपर्टी लाई है? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया क्या सभी ने? नो सर। नोट कर लें।
गया। अब देखो हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, cos 2a की आइडेंटिटी की बात करें, तो नेक्स्ट फंक्शन ले लेता हूं fx equal to y equal to cos inverse 2x square minus 1, cos inverse 2x square minus 1, इसको डिफाइन करना है, इसका डोमेन रेंज लिखना है, तो डोमेन बताओ माइनस वन से प्लस वन तक, माइनस वन से प्लस वन। कैसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कैसे किया, 2x square minus 1 lies from minus 1 to plus 1, को shift कर दिया तो 0, इस 1 को इधर लाए तो कितना हो जाएगा, इस 1 को shift किया तो क्या हो गया 2, 1 plus 1 और ये minus 1 और plus 1 0, ठीक है, 2 से divide किया तो 1, ये समझ में आया। अब यहां से ध्यान से देखें, ये वाला portion 0 is less than or equal to x square always true होता है, x belongs to r, और x square is less than or equal to 1 is x square minus 1 is less than or equal to 0, factor करें x plus 1 x minus 1। आती है बेबीकर मेथड सभी को, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है, समझ में आया कि डोमेन कैसे निकाल के बताएं? यस सर। सर क्लियर सभी को डोमेन? अब रेंज कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आई है माइनस वन से प्लस वन, तो 2x स्क्वायर माइनस वन की कहां से कहां तक लाई करेंगे, तो पहले तो स्क्वायर करते हैं इसका, तो 0 से 1 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 2 होगा, फिर 1 सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पर cos इनवर्स लेंगे, ध्यान देना है, cos इनवर्स 1 इधर आएगा और cos इनवर्स माइनस 1 उधर जाएगा, तो ये आपका fx बन गया, cos इनवर्स 1 0, cos इनवर्स माइनस 1 5, रेंज क्या आ गई 0, डोमेन माइनस 1 टू प्लस 1, रेंज 0। सर रेंज बता दो फिर से, क्या चीज रेंज? हाँ, डोमेन निकाल लिया, x की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन, डोमेन हमने निकाल लिया माइनस वन से प्लस वन, ठीक है ये, ठीक है। हाँ, अगर x माइनस वन से प्लस वन में लाई कर रहा है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से वन, भाई x स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, x अगर माइनस वन से प्लस वन में है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से वन, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आ गया, 1 सबट्रैक्ट किया तो 2 में 1 सबट्रैक्ट किया 1, 0 में 1 सबट्रैक्ट किया माइनस, ये इस लाइन तक सबको समझ में आया है? यस सर। अब क्या करना है, हमें cos इनवर्स लेना है, तो cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, सबको मालूम है ग्राफ ऐसा होता है, cos इनवर्स का ग्राफ, cos इनवर्स x का ग्राफ 0, पाई, माइनस वन, प्लस, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कॉस इनवर्स लेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट पर मिनिमम मिलेगा और मिनिमम पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा, समझ में आया? यस सर। यस सर। कॉस इनवर्स 1 0 होता है, कॉस इनवर्स माइनस 1 पाई, तो रेंज आ गई 0। अरे ऐसे भी साइन साइन के फंक्शन में नहीं निकाल सकते थे, जैसे कि x लिखा फिर x स्क्वायर की फिर वो मतलब x से स्क्वायर निकल रहा था, जब भी तो डिफरेंशिएशन लगाया था, जो 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर जो फंक्शन था वो मोनोटोनिक नहीं था, मोनोटोनिक नहीं था मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हो रहा था, कहीं पर इंक्रीजिंग हो रहा था कहीं पर डिक्रीजिंग, कौन सा 2x अंडर रूट 1 माइनस x, राइट? यस। और यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर जो फंक्शन है 2x square minus 1 वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है डायरेक्ट, इसलिए निकाल ली थी डायरेक्ट, समझ में आया? यस सर। डिक्रीजिंग है ना सर, कौन सा cos inverse डिक्रीजिंग है, 2x square minus 1 थोड़ी डिक्रीजिंग है,
बात समझ में आई भाई, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है, ये बात कर रहे हैं 2x² - 1 की, ये बोल रहे हैं 2x² - 1 की जब रेंज निकाल तो डिफरेंशिएशन यूज नहीं किया, और जब वहां पर 2x√1 - x² की निकाल रहे थे तो वहां डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ा, यही बोल रहे ना आयुषी? यस सर। हाँ तो वो उसमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि जो 2x√1 - x² है वो मोनोटोनिक नहीं था, इस इंटरवल में -1 to +1 मोनोटोनिक नहीं था, मतलब कहीं इंक्रीज हो रहा था कहीं डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने मिनिमा और मैक्सिमम पॉइंट निकाले थे डिफरेंशिएट करके। सर 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 ये फंक्शन इवन है कि ऑड, ये कैसे पता करेंगे? फंक्शन इवन और ऑड पता करने के लिए ग्राफ बनाएंगे हम इसका, एक तरीका। दूसरा तरीका fx की जगह -x रख दो, इस x की जगह -x रखा तो x की जगह -x रखोगे तो x² में कोई फर्क पड़ेगा क्या? -x² + x² ही होगा, तो f - x = क्या मिल गया? fx, तो फंक्शन इवन है। इवन है बेटा। आपको सबसे पहली चीज ये मुझसे पूछने की जगह आपको प्रोसेस नहीं मालूम है क्या यहाँ पर? f - x इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे पता करते हैं? fx गिवन हो तो f - x निकालते, f - x अगर +fx है तो इवन है, f - x अगर -fx है तो ऑड, ठीक है? तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन। यस सर। समझ में अभी बात, डोमेन और रेंज क्लियर हो गया? यस सर। है ना, ये तो मैं बता चुका हूँ ना बेटा, इवन ऑड। यस सर। ठीक है, डोमेन रेंज हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? एक्स की जगह क्या रखें? कॉस थीटा। थीटा कितना आएगा? कॉस इनवर्स एक्स। थीटा कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 to π, थीटा हो गया 0 to π, ठीक है? रखो इसमें y = कॉस इनवर्स 2x² - 1, कॉस इनवर्स 2, एक्स की जगह कॉस थीटा, कॉस इनवर्स 2cos²θ - 1, आइडेंटिटी मालूम है, cos²θ। ठीक है, अब ये देखो 2θ कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 2π, ठीक है? थीटा 0 से π में था तो 2θ 0 से 2π में लाई करेगा, ठीक है? अब केसेस बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स होता है अगर एक्स 0 से π में लाई, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब ये जो दूसरा केस है π से 2π वाला, 2θ 0 से π में था तो कॉस इनवर्स कॉस 2θ 2θ आ गया, 2 cos inverse x, 2θ की जगह क्या गया? cos inverse x, और यहां से थीटा निकालूंगा मैं तो 0 से π/2 आएगा, और थीटा क्या है? cos inverse x, 0 से π/2, तो x निकालूंगा तो cos π/2 0 और cos 0 1, उल्टा क्यों किया? cos π/2 0 और cos 0 1, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन, x आ गया 0 से। ये समझ में आई क्या पहली डेफिनेशन? अब इधर की बात करो कि जब 2θ पाई से 2π में है तो cos inverse cos 2θ क्या आएगा? उसके लिए हमें cos inverse of cos x का ग्राफ बनाना पड़ेगा प्रॉपर्टी 2 में, 0 to π, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, ये पाई से 2π, तो x पर 2π यूनिट का इंटरसेप्ट, y पर भी 2π यूनिट का इंटरसेप्ट, ठीक है?
एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू पाई, तो वाई कितना आ गया टू पाई माइनस एक्स, तो टू पाई माइनस एक्स की जगह टू थीटा, ठीक है, सो टू पाई माइनस टू थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉस इन यहां से टू थीटा पाई से टू पाई में, तो थीटा कहां से कहां तक आएगा, टू से डिवाइड पाई बाय टू टू पाई, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, हाँ, तो कॉस पाई माइनस वन और कॉस पाई बाय टू जीरो, ये पूरी डेफिनेशन है। हाँ तो डेफिनेशन क्या आ गई देखो, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू टू कॉस इनवर्स एक्स होगी इफ एक्स लाइज फ्रॉम जीरो टू वन, और कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू टू पाई माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स होगी इफ एक्स लाइज फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, और हमने पूरे डोमेन में बता दिया माइनस वन से प्लस वन तक, डोमेन माइनस वन से प्लस वन, उसके बाहर तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं। बात समझ में आ गई क्या? यस सर, नोट करो, है ना, तो वो थ्योरी ज्यादा है, टफर साइड है कि उसमें प्रॉपर्टी टू भी लगाना है और इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना है, है ना, क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी टू से यहां भी डिफाइन करना है और फिर हर केस में इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना है ना, तो बहुत आसान नहीं है, प्रैक्टिस लगेगी, नोट करें। नोट करने है ना, ये तो बेटा मैंने जो बताया है ये प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ये जो हम कर रहे हैं ये तो प्रूव कर रहे हैं एक्चुअली प्रॉपर्टी को, आप तो डायरेक्ट फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो भी आंसर मैच होगा। थ्री थीटा वाली भी है सर? हाँ थ्री थीटा वाली भी, अभी तो टू थीटा वाली दो हुई है, टू थीटा वाली अभी तीन और है, फिर थ्री थीटा वाली तीन और, अभी तो टू थीटा वाली हमने टू दो लिखी है केवल, इसके पहले साइन इनवर्स और अब साइन एक और है ना, जो साइन टू ए का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेन ए, साइन टू ए इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन माइनस वन प्लस टेन ए स्क्वायर, वन प्लस वो वाली है, फिर कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टेन ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन ए स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं, फिर एक वो टेन टू ए भी है, तो साइन टू ए कॉस टू ए टेन टू ए, ये तीनों भी है, नहीं सभी को प्रूव नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट लिख दूंगा, हो गया, हाँ ये कंप्लीट हो गई है क्या सभी की? नो सर। यस सर। देखो तो इस प्रॉपर्टी को मैं और लिख देता हूं फाइनल, क्या है प्रॉपर्टी, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, है ना, इसके इक्वल में ही चल रहा है, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह हम ये लगा सकते हैं तब इफ एक्स लाइज फ्रॉम जीरो टू वन, और टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टू पाई माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अप्लाई करेंगे
if x lies from minus 1 to 0. है ना, तो 2 cos inverse x के प्लेस पर cos inverse 2x square minus 1 अप्लाई कर सकते हैं if x lies from 0 to 1, और 2 cos inverse x के प्लेस पर 2 pi minus cos inverse 2x square minus 1 अप्लाई कर सकते हैं if x lies from minus 1. देखो हम प्रूफ क्यों बताया है उसका रीजन दे, बेसिक आइडिया इसलिए दिया है कि कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं. जैसे कि एक्सरसाइज वन में एक क्वेश्चन आ चुका है, आपने किया भी होगा. एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ए. उन्होंने बोला साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ए. इस इक्वेशन का है एक सॉल्यूशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. दिस हैज अ सॉल्यूशन इफ ए, ए के बारे में बात की कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक लेगी. ठीक है, तो अब आपको मालूम था साइन इनवर्स एक्स की रेंज मालूम है कहां से कहां तक लेगी करती, माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, अब हमें ए निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब होगा जब दोनों इक्वल हो. तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दूं, 2 साइन इनवर्स. ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड, तो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4. अब ए निकालूंगा तो साइन माइनस पाई बाय 4 से साइन प्लस पाई बाय 4. ए आ गया साइन माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय 2. इसको मॉड में लिख सकते हैं, मॉड ए इज लेस देन और इक्वल टू. समझ में आया कि कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आया कि प्रूफ क्यों बताया है? इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं. प्रूफ में जो आइडिया लगाया था वही यहां अप्लाई किया है. Yes, sir. कंप्लीट हो गया. यस सर. रफ करें. यस सर. यस सर. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square. Sine inverse 2x upon 1 plus x square. क्या substitute करेंगे इसके? 10x. 10x नहीं, 10 theta. 10 theta. क्या put करेंगे? 10 theta. 10 theta. 10 theta. x equal to 10 theta put करने से क्या बन जाएगा ये? Sine inverse 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta. Sine inverse sine 2 theta. Sine 2 theta. साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. फिर वही केस बनाएंगे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. 2 थीटा कब होगा? है ना, तो अभी तो x = 10 थीटा है, तो थीटा = 10 इनवर्स x है. 10 इनवर्स x की रेंज क्या होती है? ऊपर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, राइट? तो जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई से प्लस. तो आपने जो y बनाया कैसे बनाया, x इक्वल टू 10 थीटा रखकर, ठीक है, साइन इनवर्स क्या बन गया, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा. ठीक है, समझ में आया? नोट कर लो. Yes,
एन सर हो गया है ना, फिर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए जिस तरह अभी हमने प्रूव की थी। ठीक है, तो आप साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा है तो साइन इनवर्स से साइन रिमूव होगा, टू थीटा बचे। ये टू थीटा कब बचेगा? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है? और थीटा किसको लिया था हमने? टेन इनवर्स एक्स को, और ये आ जाएगा टू से डिवाइड माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई। ठीक है, एक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? टेन माइनस पाई बाय फोर माइनस वन और टेन प्लस पाई बाय फोर। केस कौन सा, क्या आ गया केस? एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन होगी तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? टू थीटा। क्या आ जाएगा? टू थीटा, और टू थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स। समझ में आई क्या बात? पहला केस साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स आएगी इफ एक्स लाइज फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। ठीक है, ठीक है, पाए माइनस टू टेन इनवर्स एक्स भी आएगी, माइनस पाए माइनस टू टेन इनवर्स एक्स की है ना, पाए माइनस टू टेन इनवर्स एक्स भी आएगी कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और ये एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। अब ये सेकेंड और थर्ड केस कैसे निकाले? ग्राफ बना के जब टू थीटा की वैल्यू माइनस पाए बाई टू से माइनस पाए में होगी, माइनस पाए से माइनस पाए बाई टू में होगी तो ये रिजल्ट आएगा, और पाए से पाए बाई टू में होगी तो ये रिजल्ट। समझ में आया क्या? ना, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 टेन इनवर्स x इफ x लाइज फ्रॉम माइनस 1 टू प्लस 1, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। मैंने केवल ये प्रिंसिपल प्रूव करके बताया, बाकी भी प्रूव हो जाए। डन सर, सब कुछ समझ में आया ये वाली? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर, कोस थीटा। ठीक है, रफ करूं इसको? सर 1 मिनट, लिख लो आराम से। Dancer. देखो, next property, cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह तो टेन थीटा ही रखना है। यस सर, यस सर। तो वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
x की जगह क्या रखना है tan थीटा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा कब आता है if 2 थीटा lies from 0 to पाई, है ना। cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है 0 to पाई, 2 थीटा lies from 0 to पाई। हां अब 0 to यहां पर 2 थीटा अगर हमने निकाला तो माइनस पाई से प्लस पाई, तो 0 से पाई तो यूज कर लिया, अब बचा माइनस माइनस पाई से जब जीरो होगा तब क्या होगा, माइनस पाई से जीरो में क्या, तो आप याद करो माइनस टू थीटा है क्योंकि ये ग्राफ ऐसा था जीरो पाई माइनस पाई, तो ये लाइन थी वाई इक्वल टू एक्स और ये वाली लाइन थी वाई इक्वल टू माइनस एक्स। लिख दें फाइनल रिजल्ट, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा की जगह क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, और माइनस 2 थीटा की जगह माइनस 2 टेन इनवर्स, है ना। एक्स निकालना है हाँ, तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 आ जाएगी। हाँ और थीटा क्या है tan इनवर्स x, तो देखो x निकालोगे तो tan 0 0 tan 0 0 और tan pi by 2 infinity, तो 0 से लेकर infinity, और जब आप यहां रखोगे तो minus pi by 2 tan minus pi by 2 minus infinity और tan 0, तो cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square equal to 2 tan इनवर्स x if x is greater than or equal to 0 and minus 2 tan inverse x if x is less than or equal to 0. समझ में आई क्या प्रॉपर्टी। यस सर ठीक है, यस सर, है ना। तो अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, हम जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हैं है ना स्कूल एग्जाम में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x, ये हमेशा ट्रू नहीं है। कब ट्रू है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा देन इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस टू टेन इनवर्स, ठीक है। तो अभी इसका एक फॉर्म इसका भी बाकी टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें भी एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं। यस yes, आपको कंडीशन या तो कंडीशन याद रखना होगी, कंडीशन याद नहीं है तो जिस तरह से मैं प्रूव करके लिख रहा हूं वैसे प्रूव निकालना पड़ेगा उस समय, या तो आप कंडीशन याद रख पाए तो अच्छी बात है, प्रिपेयर तो करनी ही पड़ेगी, या तो कंडीशन याद रखें नहीं तो निकालना पड़ेगा। डन सर, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर एक वो बचा है, और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, फिर उसके बाद सेकेंड है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और थर्ड है टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये तीन और एक चार।
चार प्रॉपर्टी और बची हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ओके सर. अभी कितना टाइम बचा है? 4 मिनट. 5 मिनट्स. 5 मिनट सर. 5 मिनट बचे हुए हैं. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं. इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना. इसीलिए बताया था कि जो सेकंड प्रॉपर्टी वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सेकंड प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि ये जितनी भी हम प्रूव कर रहे हैं सब में सेकंड प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही. और फिर सेवंथ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी. सिक्स्थ कौन सी? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई. टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट. पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्हीं दोनों के आसपास चलता है. है ना. तो क्वेश्चन के टाइप आपको क्लियर है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं. डोमेन रेंज पे क्वेश्चन आ सकता है. फिर उसके बाद इवेल्युएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई एक्सप्रेशन हो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते. फिर सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड कर सकते. सॉल्व द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी फाइंड कर सकते. इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद फिर नेक्स्ट समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. है ना. अब जैसे इन क्वेश्चन, ये जो है इसके, इससे भी हम इनइक्वालिटी भी बना सकते हैं और इक्वेशन भी बना सकते हैं. कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर आपसे बोल दिया जाए सॉल्व द इक्वेशन, इक्वल टू पाई बाय 2, सॉल्व करें आप इसको. 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस पाई बाय 2 जीरो. cos pi by 2 की वैल्यू 0. x square equal to 1, x equal to plus minus. तो x equal to जब plus 1 रखोगे तो भी 0 आएगा. cos inverse 0 pi by 2, x equal to minus 1 रखोगे तो x equal to plus minus 1 इस equation का solution. बात समझ में आ गई क्या? Yes sir. Yes sir. है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं. तो प्रॉपर्टी तो हमें सारी पढ़ना पड़ेगी, ठीक है बच्चों. समझ में आ गया, नोट कर लिया क्या? Yes, sir, done. है ना. तो अब हम, मैं आज का असाइनमेंट एक्सरसाइज 2 और 3 दूंगा. एक्सरसाइज 2 और 3 पूरी नहीं तो उसके कुछ क्वेश्चंस. Yes, sir. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 2 और 3 के क्वेश्चंस असाइन कर दूंगा अभी होमवर्क में. और ये 4 प्रॉपर्टी और कंप्लीट करने के बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सर ब्रेक ले लें.